हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द व्हाइट बोर्ड क्लासेस। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के। और आज का पहला क्वेश्चन है, देयर आर थ्री बोर्ड्स B1 B2 एंड B3 वर्किंग टुगेदर। दे कैरी 60 पीपल इन ईच ट्रिप। वन डे एंड अर्ली मॉर्निंग B1 कैरीड 50 पीपल इन फर्स्ट फ्यू ट्रिप्स एंड व्हेन इट स्टॉप कैरिंग द पैसेंजर B2 एंड B3 स्टार्टेड कैरिंग द पीपल टुगेदर। इट टुक अ टोटल ऑफ 10 ट्रिप्स टू कैरी 300 पीपल बाय B1, B2 एंड B3। इट इज नोन दैट ईच डे ऑन एन एवरेज 300 पीपल क्रॉस द रिवर यूजिंग ओनली वन ऑफ द थ्री बोट्स B1, B2 एंड B3। हाउ मैनी ट्रिप्स इट वुड टेक टू B1 टू कैरी 150 पैसेंजर्स अलोन। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है हमें कि देर आर थ्री बोट्स, तीन बोट्स हैं B1, B2 और B3। B1, B2 और B3, ठीक है। ये तीनों मिलकर एक ट्रिप में, जब तीनों मिलकर एक ट्रिप में कितने लोग, कितने पैसेंजर्स को पहुंचाती है? 60 पैसेंजर्स को पहुंचाती है। B1, B2 और B3 एक ट्रिप में 60 पैसेंजर को पहुंचाती है रिवर के क्रॉस, ठीक है। वन डे एंड अर्ली मॉर्निंग B1 कैरेड 50 पीपल इन फ्यू ट्रिप्स। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक दिन B1 ने कुछ ट्रिप्स में, लेट अस सपोज एन ट्रिप्स में कितने लोग पहुंचाए? 50 लोग पहुंचाए। एन ट्रिप्स में 50 लोग पहुंचाए, तो इसने एक ट्रिप में कितने पहुंचाए होंगे? एक ट्रिप में पहुंचाएंगे 50/N। अगर उसने एन ट्रिप्स में 50 पहुंचाए तो एक ट्रिप में उसने कितने पहुंचाए होंगे? 50/N। ओके, और आई गिवन है व्हेन इट स्टॉप्ड कैरिंग द पैसेंजर्स B2 एंड B3 स्टार्टेड कैरिंग द पीपल टुगेदर। जब B1 ने पैसेंजर को पहुंचाना बंद करा, उसके बाद B2 और B3 ने पैसेंजर को पहुंचाना स्टार्ट करा, ठीक है। और आगे गिवन है, इट टुक अ टोटल ऑफ 10 ट्रिप्स टू कैरी 300 पीपल। कितने टोटल ट्रिप्स लगे? 10 ट्रिप्स, ठीक है। कितने टोटल ट्रिप्स लगे? 10 ट्रिप्स। टोटल ट्रिप्स कितने थे? 10 ट्रिप्स लगे। उसमें से एन ट्रिप्स तो B1 ने लगाए, टोटल 10 में से एन ट्रिप्स B1 ने लगाए, तो B2 और B3 ने कितने लगाए होंगे? 10 - N। ओके, बाकी के बचे हुए तो ट्रिप्स लगाए होंगे B2 और B3 ने। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर जो पहुंचे वो कितने पहुंचे? 300। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने पहुंचे? 300 पहुंचे। B1 ने कितने पहुंचाए थे? 50। तो B2 और B3 कितने पहुंचाएंगे? बाकी के बचे हुए, मतलब 300 - 50, 250 पहुंचाएंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो B2 और B3 ने 10 - N ट्रिप्स में 250 लोगों को रिवर के क्रॉस कराया, तो B2 और B3 ने एक ट्रिप में कितने पहुंचाए होंगे? 250 डिवाइडेड बाय 10 - N। कितने पहुंचाएंगे? 250 डिवाइडेड बाय 10 - N। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या बन के आएगा? अगर हम इसमें पुट करते हैं तो ये क्या है, B1 + B2 + B3 इक्वल्स टू 60 है। ओके, B1 यहां से क्या है? B1 आया 50/N, ठीक। B2 और B3 क्या आया यहां से? 250 डिवाइडेड बाय 10 - N इक्वल्स टू 60, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आएगी? n की वैल्यू आएगी 5। एन की वैल्यू क्या आई? एन की वैल्यू आई 5। सो अगर हम देखें यहां पर, अगर पुट करें तो B1 ने एक ट्रिप में कितने लोगों को बचाया होगा? B1 ने एक ट्रिप में 50/N, एन की जगह क्या आया? 5। 10 लोगों को पहुंचाया होगा, मतलब B1 ने एक ट्रिप में 10 लोगों को पहुंचाया होगा। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है कि B1 अकेला 150 लोगों को
कितने ट्रिप्स में पहुंचाएगा? B1 अकेला 150 लोगों को कितने ट्रिप्स में पहुंचाएगा? हमने यहां से क्या देखा, B1 एक ट्रिप में 10 लोगों को पहुंचाता है, B1 एक ट्रिप में 10 लोगों को पहुंचाता है, ठीक है। तो B1 कितने ट्रिप्स में 150 को पहुंचाएगा? B1 कितने ट्रिप्स में 150 को पहुंचाएगा? अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, इसे अगर हम देखें तो आएगा x = 150/10, 50 मतलब टोटल 15 ट्रिप्स लगेंगी उसे 150 लोगों को रिवर के क्रॉस कराने में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस्टन चर्चिल एंड डेविड आर 3 वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर। दे कंप्लीटेड द होल वर्क इन 10 डेज। इनिशियली ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर, बट द लास्ट 60% ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय ओनली चर्चिल एंड डेविड टुगेदर। बॉस्टन वर्कड विद चर्चिल एंड डेविड ओनली फॉर इनिशियल 2 डेज, देन ही लेफ्ट द वर्क ड्यू टू पुअर हेल्थ। ओके, ऑल्सो चर्चिल टेक्स 20% लेस टाइम टू फिनिश द वर्क अलोन देन दैट ऑफ डेविड वर्किंग अलोन। इफ देवर पेड ₹3,000 फॉर द एंटायर वर्क, देन वॉट इज द शेयर ऑफ लीस्ट एफिशियंट पर्सन। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि बॉस्टन, चर्चिल और डेविड हैं, 3 वर्कर हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्टर ने रखा और इन सब ने 10 डेज में काम को कंप्लीट करा, 10 डेज में काम को कंप्लीट करा, लेकिन सबने साथ मिलकर काम नहीं करा 10 दिन तक। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन क्या है कि जो बॉस्टन था उसने चर्चिल और डेविड के साथ केवल स्टार्टिंग के 2 दिन काम करा। बॉस्टन ने चर्चिल और डेविड के साथ केवल 2 दिन काम करा स्टार्टिंग के, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो चला गया, ठीक है। टोटल कितने डेज में काम कंप्लीट हुआ, 8 दिन में, सॉरी 10 दिन में काम कंप्लीट हुआ। अगर 2 दिन के बाद बॉस्टन चला गया तो चर्चिल और डेविड ने बाकी के 8 दिन काम कंप्लीट करा होगा, बाकी के 8 दिन में काम कंप्लीट करा होगा। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि लास्ट का 60% काम चर्चिल और डेविड ने करा, लास्ट का 60% काम चर्चिल और डेविड ने करा, इसका मतलब इन दोनों ने 8 दिन में 60% काम करा, ठीक। इसका मतलब क्या है कि बॉस्टन, चर्चिल और डेविड ने स्टार्टिंग के 2 दिन में केवल 40% काम करा होगा, स्टार्टिंग के 2 दिन में केवल 40% काम करा होगा। तो अगर हम यहां से देखें इनका 100% निकालें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं कि चर्चिल, बॉस्टन और डेविड ने 2 दिन में 40% काम करा, तो 100% काम कितने दिन में करेंगे, 100% काम 2/40% इंटू 100%, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम अगर करेंगे 25 डेज, मतलब 5 डेज में तीनों मिलकर 100% काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और अगर हम चर्चिल और डेविड का देखें तो चर्चिल और डेविड 8 दिन में 60% काम कर रहे थे, तो 100% कितने दिन में काम करेंगे, 8/60% × 100%, ठीक। इसको जब हम करेंगे तो आएगा कितना, 40/3 days। तो ये 100% काम कितने दिन में करेंगे, 40/3 days में करेंगे। अगर हम इसमें LCM मेथड लगाएं तो किस तरीके से लग सकता है। ओके, सो अभी तक हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि बॉस्टन, चर्चिल और डेविड 5 दिन में 100% काम कंप्लीट करते हैं और चर्चिल और डेविड 40/3 days में 100% काम कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है, हमारे पास टाइम है। अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो इन दोनों का LCM, अगर आपको इसमें LCM लेने में प्रॉब्लम आती है तो एक बार मैं आपको बता दूं कि LCM अगर फ्रैक्शन में है तो किस तरीके से निकलता है, LCM ऑफ 5/40/3, इसको अगर हम निकालना है तो हमें क्या करना होता है, LCM तो लेना होता है हमें न्यूमरेटर का, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज का 5 और 40 का, और डिनोमिनेटर का हमें HCF लेना होता है, डिनोमिनेटर का हमें HCF लेना होता है। तो LCM इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का LCM हो जाएगा 40, इसका HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 1, तो हमारा इसका LCM क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, इसका LCM क्या आ गया, 40। एक और तरीका है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको 2 वैल्यूज दी हो और इसका LCM निकालना हो तो सबसे पहले क्या करनी है, आप अगर हमें यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आप यहाँ लिखिए 40/3, इसको आप यहाँ लिखिए 5
इन दोनों का रेशियो ले लीजिए। अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का रेशियो आएगा 8:3। क्या आएगा इन दोनों का रेशियो, 8:3। ठीक है, अब इसका इसका मल्टीप्लाई करा दिए या इसका इसका मल्टीप्लाई करा दिए, तो इसका इसका मल्टीप्लाई करेगा 40। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। आपको जो भी तरीका सही लगे उस तरीके से आप कर लीजिए। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 40। इंडिविजुअल एफिशिएंसी अगर हम देखें तो बी प्लस सी प्लस डी की कितनी आ गई, 8, और सी प्लस डी की कितनी आ गई, 3। तो अगर हम इसको देखें, बी प्लस सी प्लस डी हमारे पास कितना है, 8 है, सी प्लस डी हमारे पास कितना है, 3 है। तो यहाँ से अगर हम बी की निकालना चाहें तो बी की निकल सकती है आराम से, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हमारे पास 5। इसका मतलब बी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी आई, बी की एफिशिएंसी आई 5। अब हमें सी और डी की एफिशिएंसी और निकालनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा कि लीस्ट एफिशिएंट पर्सन कौन है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन और गिवन है इसमें कि ऑल्सो चर्चिल टेक्स 20% लेस टाइम टू फिनिश द वर्क देन दैट ऑफ डेविड वर्किंग अलोन। मतलब चर्चिल किसी भी एक काम करने को 20% लेस डेज लेता है, किससे, डेविड से। तो अगर डेविड 100 डेज लेता है, अगर डेविड 100 डेज लेता है किसी काम को कंप्लीट करने में, तो चर्चिल कितने डेज लेगा, 80 डेज लेगा, 20% लेस डेज ले रहा है। तो अगर हम इसका रेशियो निकालें तो कितना आएगा, रेशियो आएगा कितना, 4:5। रेशियो कितना आया, 4:5। ये किसका आया, डेज का रेशियो। और अगर हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहें तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, इसका इनवर्स, मतलब 5:4। ठीक है, ये क्या आ गया, 5:4 इसका रेशियो आ गया। ठीक, तो अगर हम इसको देखें, हम इसको कह सकते हैं कि सी की वैल्यू क्या है, 5 के मान सकते हैं, डी की वैल्यू क्या है, हम 4 के मान सकते हैं। ओके, 5 की वैल्यू क्या है, हम 5K लिख सकते हैं, डी की वैल्यू हम 4K ले सकते हैं। अब देखिए, अगर हम इसको देखें, सी प्लस डी कितना है, 3 के बराबर है, सी प्लस डी कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। अगर हम इसमें पुट करें तो क्या आएगा, 5K+4K=3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9K=3। सो K कितना हो गया, K हो गया 1/3। K कितना हो गया, 1/3। तो अगर हम C देखें तो C कितना हो जाएगा, C हो जाएगा 5 × 1/3। और D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा 4 × 1/3। ठीक है, ये हो गया 5/3 और ये हो गया 4/3। सो हमें तीनों की एफिशिएंसी पता चल गई, अगर हम इसको ठीक से लिखें। सो हमारे पास एफिशिएंसी कितनी कितनी आई, बी की एफिशिएंसी आई 5, सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 5/3, और डी की एफिशिएंसी कितनी आई हमारे पास, 4/3। अब बी ने कितने दिन काम करा था, बी ने केवल 2 दिन काम करा था स्टार्टिंग के, बी ने केवल स्टार्टिंग के 2 दिन काम करा था। ठीक है, सी और डी ने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम करा था, इसका मतलब सी और डी ने टोटल 10 डेज इसने भी काम करा है और इसने भी 10 डेज काम करा है। तो अगर हम इंडिविजुअल पार्ट ऑफ वर्क देखें, किस किस ने कितना कितना करा है, तो बी ने कितना काम करा है, बी ने 5×2 वर्क करा है, सी ने कितना काम करा है, सी ने 5/3×10 काम करा है, और डी ने कितना काम करा है, डी ने 4/3×10 काम करा है। ये मैंने क्या करा, पार्ट ऑफ वर्क हम क्या जानते हैं, हम पार्ट ऑफ वर्क जानते हैं क्या होता है, एफिशिएंसी × डेज। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है, जैसे कि अगर हम बी की बात करें तो एफिशिएंसी है इसकी 5, इसने कितने दिन, 2 दिन काम करा। ठीक है, तो 5×2, मतलब टोटल वर्क में से इसने इतना काम करा, सी ने इतना काम करा, डी ने इतना काम करा। अब इसके हिसाब से इनको पैसे डिवाइड होंगे, अगर हम इनका रेशियो लें तो क्या आएगा, इन सबका रेशियो क्या आएगा, बी रेशियो सी रेशियो डी। इसको देखें तो ये 10, ये 50/3 और ये 40/3। जब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3:5:4। ठीक है, अब इस रेशियो में इनको 3,000 रुपीज़ डिवाइड होंगे, इस रेशियो में इनको 3,000 रुपीज़ डिवाइड होंगे। तो अगर हम इसको देखें तो रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 3+5 8+4 12, कितना है 12, और गिवन कितना है, कितने रुपए वो डिवाइड हुए हैं, 3,000 रुपीज़ डिवाइड हुए हैं। ठीक, हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है उसका शेयर जिसकी लीस्ट एफिशिएंसी थी। तो यहाँ से लीस्ट एफिशिएंसी किसकी है, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 5,
इसकी तो एफिशिएंसी लीस्ट नहीं है। अगर हम सी की एफिशिएंसी देखें तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी एफिशिएंसी है 1.6 समथिंग, ठीक है। और डी की एफिशिएंसी कितनी है, डी की एफिशिएंसी है 1.3। इसका मतलब जो लीस्ट एफिशिएंसी है वो है डी की, लीस्ट एफिशिएंसी किसकी है, डी की। इसका मतलब हमें शेयर किसका निकालना होगा, हमें शेयर निकालना होगा डी का। डी का शेयर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 4। इसका मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 4 की। तो 12 अगर इसके बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 12, और 4 किसके बराबर हो जाएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, ये गया 3, ये कितना जाएगा 1000। तो डी की जो शेयर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज़।